दावत पेश करना हजरत अलामा कारी साफुल्ला खालद मुल्तानी साहब उन्हां दी आमद तो पहले अजमत सहाबा दा नारा जरा बुलंद कीजिए नारे तकबीर एज नहीं जिवें माशाल्लाह इतना बड़ा इज्तमा है पूरी मोहब्बत नाल बोलो जरा अजमत सहाबा मुकामे सहाबा फजाइले सहाबा हजरत अलामा कारी साहबुल्ला खालिद मुल्तानी साहेब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबियिल उम्मील करीम नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين انتہائی معزز محترم سامعین اہل علم علماء کرام قراء اعظام قابل صد افتخار معززین حاضرین سامعین بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو اللہ سبحانہ وتعالی مالک الملک اللہ ارحم الراحمین مینو اور آپ سبنو زندگی دے آخری سانس تک اللہ سونا قرآن و سنت دے مطابق زندگی دا ہر لمحہ ہر لحظہ گزارن دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ اساں اہل حدیث ہیں اور اسانو اس بات تے فخر ہے کہ ساڈا منہج ساڈی دعوت ساڈی سوچ ساڈی فکر وہی ہے جو اللہ رب العزت نے کائنات دے امام سید الاولین والآخرین قائد انبیاء خطیب انبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات انسانیت دی فوز و فلاح واسطے دے کے بھیجیا ہے ساڈی سوچ ساڈا منہج ساڈی فکر
कुरान और सुन्नत दे अंदर अंदर है, जो कुरान और हदीस तो बाहर है वो सोच अहल हदीस की नहीं, वो फिक्र अहल हदीस की नहीं, वो दावत और मनहज अहल हदीस का नहीं। साडा मनहज कुरान को शुरू होता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कौल फेल अमल किरदार गुफ्तार ते खत्म हो जाता है। हजरात तवज्जो करना, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दी इस मनहज इस दावत और फिक्र दी बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो करना, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज लोगों ने तौहीद समझ ली है कि अल्लाह सब करदा है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह रज़ाक है, अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है। हजरात तवज्जो करना, कलमा ला कुल शुरू होंदा है, ला कुल शुरू होंदा है, नफी कुल शुरू होंदा है। इस्लाम दी बुनियाद जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। सब तू पहले चीज की नफी और नहीं है अकीदा तौहीद के अंदर ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं, ना कोई अपना, ना बिगाना, ना नूरी, ना नारी, ना अरशी, ना फरशी, ना नबी, ना वली, ना गौस, ना कुतब, ना अबदाल, ना अवतार, ना छोटा, ना बड़ा। सब तू पहले नफी करनी है कि दुनिया ते कोई इलाह है ही नहीं। सब दी नफी करने दे बाद फिर दिल दे अंदर एक बूटा लगाना है इल्लल्लाह, अल्लाह ही इलाह है, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह तो इलावा कोई माबूद नहीं है। जिस तरीके नाल साडे मनहज दे अंदर अकीदा तौहीद है, इसे तरीके नाल अहल हदीस दा मनहज दे अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उसवा हसना है। साडा अकीदा है अल्लाह तो बगैर इबादत दे लायक कोई नहीं। सुन लो नाता नजमा माहिए दोहे अहल हदीस दे जमीयत अहल हदीस दे स्टेज ते नहीं होंगे इंशाअल्लाह। साडे स्टेज ते मनहज अहल हदीस होएगा, दुनिया राजी होए नाराज होए, अपने बिगाने खुश होन ना खुश होन के मौलवी साहब दौर नहीं है, अकीदा तौहीद दा ए मनफी दौर नहीं है। मुस्बत अंदाज इख्तियार करो, फलां करो, सारे राजी हो जान। हजरात तवज्जो करना, अल्लाह दे नबी नू अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने फस्ता बिमा तोमर वा आरिज़ानिल मुशरिकीन। यही जमीयत अहल हदीस दा मंशूर है, डंके दी चोट जहां रब दी तौहीद बयान करांगे उसे जगह से दुनिया कायनात दे रब दे शरीकां दे शिरक दी नफी करांगे। रब्बे काबा दी कसम, अल्लाह तो बगैर कोई इलाह नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई नफे नुकसान दा मालिक नहीं, कोई रिस्क देने वाला नहीं, कोई इज्जत देने वाला नहीं, कोई जिंदगी देने वाला नहीं। अन्नहु हुवा अमात वा अहया, मौत और जिंदगी अल्लाह दे हाथ दे अंदर। अन्नहु हुवा अगना वा अगना, दौलत मंद करे कंगाल करे मालदार करे, रिस्क दिया चाबियां मेरे रब दे हाथ दे अंदर ने। और सुन लो, मैं युहनिल्लाह फमालहु में मुकरिम, जिसनु अल्लाह इज्जत देन ते आ जाए अपने बिगाने सारी कायनात अगर उसनु जलील करना चाहे, जिसनु इज्जत रब अदा कर देवे पूरी कायनात मिलके उसनु जलील कोई नहीं कर सकता। जे साडे अलामा इशाम नु रब इज्जत दे दीती ते कौन जलील कर सकता है। नाराज ना होना, साडा अकीदा है कि अल्लाह तो इलावा कोई नफे और नुकसान का मालिक नहीं है।
जिस तरीके असा रब दी तौहीद च किसे छोटे बड़े नूं शरीक नहीं करदे, किसे नबी वली गौस कुतुब अब्दाल नूं शरीक नहीं करदे। मनहज अहल हदीस है असा अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत दे अंदर, नबुव्वत दे अंदर, रिसालत दे अंदर, फरमा बरदारी दे अंदर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाबले दे अंदर भी असा किसे मौलवी पीर इमाम फकीर मुजतहिद नो किसे छोटे बड़े नो मकामे मुहम्मद दे मुकाबले तस्लीम नहीं कर दे। जिथे रब दी तौहीद होएगी उथे असा किसे गैर नो तस्लीम नहीं कर दे। जिथे मुस्तफा दी इताअत दी बात आएगी रब्बे काबा दी कसम ना असा किसे बड़े दी बात मनने हैं, ना छोटे दी बात मनने हैं, ना अमीर दी बात मनने हैं, ना अपने दी बात मनने हैं। मैं जमात दा अमीर ते तस्लीम कर सकना हां, मगर सुन लो जिथे बात मुस्तफा दी आएगी मैं अमीर छोड़ सकना हां, काला काला रसूलल्लाह नहीं छोड़ सकता। जिथे बात रब दी तौहीद दी आ जाए सुन लो मैं सारी दुनिया दी सारी दुनिया दी दौलतां ठुकरा सकना, मैनू उस इज्जत दी लोड़ नहीं जिस इज्जत विच मैनू रब दे मुशरिक दी इज्जत करनी पै जाए। कोई बात समझ आई है कि नहीं आई? मैनू उस वकार दी जरूरत नहीं कि जिस विच मैनू किसे मुशरिक दी कदम बोसी करनी पै जाए। मैं मुवाहिद हां, मैं अहल हदीस हां, मैं जमीयत दा कारकुन हां, मैं किसे मुशरिक नूं रब्बे काबा दी कसम इज्जत नहीं दे सकदा। जो रब दा दुश्मन है वह मेरा दुश्मन है, मेरे मनहज दा दुश्मन है, अहल हदीस दा दुश्मन है, मैं उसनूं इज्जत कैसे देवां, मैं उसनूं कैसे इज्जत देवां जो ऐलान करते आके है कोई अलामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी किताब दा जवाब देण वाला। ओए जेड़ा अलामा साहब दी किताब दे जवाब दा तलाश करदा होवे मैं जुत्ती दी नोक ते उसनु नहीं रखदा। क्या समझदे हो? मतो इज्जत मन तशा मतो जिल्लत मन तशा। इज्जत और जिल्लत किसके हद दे अंदर है? बोलो किसके हद दे अंदर है? आए अल्लाह दी कसम जिस दी इज्जत दुश्मन करदे ने, जिस शहीद दी इज्जत दुश्मन करदे ने, जिस अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद दी अज़मत दुश्मन बयान पे करदे ने, दुश्मन रीसा करदा हाय काश मैं भी अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जैसा बन जांदा, मैं होंदा पाकिस्तान दे अंदर, मैं जख्मी पाकिस्तान दे अंदर होंदा, मेरा इलाज रियाज दे अंदर होंदा, मैं कित्थों लेवां अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद जैसा कि जिसनु रब ने जगह दीती है तो मेरे मुस्तफा दे शहर दे अंदर दीती है। तवज्जो करना रब्बे काबा दी कसम, मैं उस वक्त अलामा साहब नु सुनदा सा जो मैं मसलक अहल हदीस तो भी आशना नहीं था, हुण ते मैं अहल हदीस हां। सुन लो अकीदा तौहीद विच भी शिरक बर्दाश्त नहीं और मुस्तफा दी सुन्नत ते आदत विच भी किसे गैर दा फतवा बर्दाश्त। सुनो कुल या अय्युहन नास कुल या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किम मिन दीनी फला अबुदुल लजीन तअबुदून मिन दूनिल्लाह। अल्लाह दा पाक पैगंबर ऐलान पै फरमांदा है
अल्लाह फरमांदे ने कुल ओ मेरा यार कहना दा सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह ओ जिंद जीवी ओ सरदारा कुल अपनी जुबान मुबारक नाल ऐलान कर दे कुल्ला आबुदुल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह मुशरका देख लेनो मुहम्मद रसूल अल्लाह हाय हाय यही मेरा मनहज है यही जमीयत की दावत है यही साड़ी सोच ते फिकर है अपने बिगाने नाराज हो जाने अल्लाह दी तौहीद ते कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है मुशरका देनो सोनिया वत्तू लौ तो दहनो फहुम युदहनु थोड़ी जी नरमी च करना असा भी तेरे नाल रल वैने आए असा भी तेरे बन वैने आए थोड़ा जिया इन्हें प्यार मुहब्बत च कर ते अपने मनहज तो ही तू थोड़ा जिया इन्हें ढिला हो मनो यारा असा तेरे आए तू साडा है रब्बे कायनात फरमाते ने कुल आख वा मेरा पाक पैगंबरा टंके दी चोट नाल सुन ले यहूदी ईसाई मजूसी मक्के दा मुशरिक कोई भी है सुन लो मैं मुहम्मद दा ऐलान है कुल या यूहन्नास सुन लो कुल या यूहन्नास इन कुंतुम फी शक मिन दीनी आए तवज्जो कर इन कुन तुम फी शक मिन दीनी अगर मेरी दीन दे अंदर मेरी सोच दे अंदर मेरी फिकर दे अंदर मेरे दावत दे अंदर मेरे मजहब दे अंदर है ओ चाचा तुम ही सुन ले ओ अबू जहला तुम ही सुन ले ओ उतबा ते शैबा मेरे चाचे दे पुत्र तुसा भी सुन लो ओ कुरैशियो हाशमियो सारे सुन लो ना अज मैं मोहम्मद डंके दी चोट बयाना ना इन कुन तुम फी शक्किन मिन दीनी फलाबुदुल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह इबादत करें दे ओ मैं मुहम्मद उन्हां दी इबादत करन वाला मैं उन्हां दी सोरो पुकार करन वाला ए शक दूर कर दियो ना आज मैं मुहम्मद लान पिया करे ना मैं उन्हां दी इबादत नहीं करेंदा मिन दूनिल्ला अल्लाह तो इलावा मैं किसे दी इबादत नहीं करेंदा दूसरा इलाम सुने अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमा दे कुल अताबुदून मिन दूनिल्ला माला यमलिकु लकुम ज़र्रम वला नफा ऐलान कर मैं तुहाडे माबूदां दी इबादत नहीं करेंदा कुल दुआ ऐलान करो मेरा यारा अताबुदून मिन दूनिल्लाही माला यमलिकु लकुम ज़र्रम वला नफा वल्लाहु हुवस समीउल अलीम दुआ ये सुने अल्लाह दे पाक पैगंबर नूं अल्लाह फरमांदा सोणिया ऐलान कर वल्लाहु जाहल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जाहल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदतन व रज़कुकुम मिन तय्यबात अफ़ बिल बातिल युमिनून
अल्लाह दे पाक पैगंबर इरान पे करेंदे ने ओ सुनो अल्लाह ते होए ना जेड़ा तोड़ियां तोड़ी नस्ल विच तोड़ियां बीवियां बनान वाला है ते वद तुहानू मिला के तुहानू पुत्र ते धीयां देवण वाला है। ओ सालमो आया बदून मिन दूनिल्लाही माला यमलिकु लकुम जर्रम वाला नफा साडा की दाए अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा अल्लाह तो इलावा हाजत रवा। ते अगली गल सुन मेरे पर अहल हदीस दा मना जे जिवें अल्लाह तो बगैर हाजत रवा कोई नहीं इन मना जे अहल हदीस दे अंदर मुस्तफा तो हट के पेशवा कोई नहीं। ईमान नाल दसो ते जेड़ा अज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात नू नजरअंदाज करके ते अपने किसे वडेरी दी बात नू मनदा है तवज्जो करना अहल हदीस कहलाए। मैं अज डंके दी चोट कह रहे हैं बेशक मैनू तुसा दर्जा चार अंदर समझ लो लेकिन सुन लीजिए रब्बे काबा दी कसम अहल हदीस मनहज क्या है रब तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं मुस्तफा तो इलावा पेशवा कोई नहीं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात नू नजरअंदाज करके जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मनहज नू नजरअंदाज करके अपने किसे अमीर दी अपने किसे पीर दी अपने किसे वली दी अपने किसे चौधरी वडेरे दी बात नू मनदा है रब्बे काबा दी कसम मैं उसनू अहल हदीस नहीं समझदा। बेशक रफयदैन नाल नमाज पढ़े बेशक सीने ते हाथ रख के नमाज पढ़े बेशक उच्ची आमीन कह के नमाज पढ़े बेशक पाँव नाल पाँव मिला के नमाज पढ़े बेशक सूरत फातिहा पढ़े तरीका मेरे मुस्तफा दी नमाज दा जो मुस्तफा दे मुकाबले दे अंदर जो रसूलुल्लाह दी सोच और नजर नो नजरअंदाज करके किसे पापे मौलवी दी किसे मसले दी वजह करके बात मनदा है रब्बे काबा दी कसम और रफयदैन करने वाला भी होए मैं उसनू अहल हदीस तस्लीम नहीं करदा। सुन लो जिस तरीके नाल बुत परस्ती खुदा परस्ती के मुकाबले हराम है दौलत परस्ती हराम है कुंबा परस्ती हराम है याद रख लो कबीला परस्ती हराम है ख्वाहिश परस्ती हराम है। अहल हदीस से एक छोटे जे तालिब इल्म दी बात सुन के जा सुन ले रब्बे काबा दी कसम रसूलुल्लाह दे मुकाबले फिरका परस्ती भी हराम है। तू आखे साडियां मजबूरियां ने फिर अहल हदीस मसलक छोड़ दे जा मर्जी है जो मर्जी है कर ले अहल हदीस मसलक दी दावत देगा अहल हदीस कहलाएगा तैनू उसे तरीके नाल जिंदगी गुजारनी पैगी जिस तरीके दावत मुस्तफा है तैनू मुशरिक नाल भी। ओ सुन रब्बे काबा दी कसम अल्लाह दे रसूल दी दावत ते है मनहज अहल हदीस ते है कि अल्लाह दे नबी नू अल्लाह फरमांदा ला तुसल्ले अला अहद मिनहुम मात अबदा। ओ मुशरिक मुनाफिक मर जाए ओदी नमाज जनाजा भी मुस्तफा नू पढ़न दी इजाजत नहीं। अज मैनू तू मौजू दे दिता है कैसा फिर बर्दाश्त कर रब्बे काबा दी कसम है रब फरमांदे सोना जेड़ा तेरी दावत दा दुश्मन है तेरे अकीदे दा दुश्मन है तेरे नजरिए दा दुश्मन है तेरे मनहज दा दुश्मन है तेरे अकीदे तौहीद दा दुश्मन है ओ मर जाए कितना करीबी क्यों ना होए ला तकम ला कब्र ही उसकी कब्र ते भी खलोण दी इजाजत है ते तू मुशरिक नु इमाम बना ले फिर अहल हदीस ना कहलाया कर गल को पल्ले पै रही कि नहीं पा रही।
मेरे भाई अब्दुल गनी साहब गिणदे बैठे ने एक एक मिनट ते अजा पए ने 7 मिनट मैनू पता है ना वो मुहम्मदी जरूर है लेकिन आज मैं मुहम्मदी डोज दे के जानी है। वो मेरा भाई है पुराना। तवज्जो करना रब्बे काबा की कसम। आइए कुरान दी आयत सुना के बात खत्म करना। सुनिए अहल हदीस दा मनहज। अज साडे दिलो दिमाग जेड़े ना ओ रह गए ने नातां ते नज़मां ते माहियां ते साडे रह गए ने फिरकियां ते। मैं एक मौलवी दी क्लिप सुन रहा अहल हदीस दा। अहल हदीस मौलवी साहब ने मैं नाम नहीं लेना। मौलवी साहब की फरमांदे ने ओ सुनो जे असां मरकज़ी आले च कोई मर जाए जमीयत आले तुसां साडा जनाजा नहीं पढ़ना। और जमीयत आले खचो जे तू साडे च कोई मर गया असां तुहाडा जनाजा नहीं पढ़ना। मैं तैनू रब दा वास्ता दे के आना। इसे इहो मसला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इहो मनहज रसूलुल्लाह दा यही दावत रसूलुल्लाह दी है। मुशरिक नू इमाम बना लै ते जमीयत जाण वाले दा जनाजा भी हराम होए ए दावत रसूलुल्लाह दी है। इसे नू दावत रसूलुल्लाह कहा जांदा है। मुशरिक कायद बन जाए ते सिर्फ अलामा दी जमात विच आ जाए कि इतना गंदा हो गया कि उहदा जनाजा भी पढ़ना है हदीस नू जायज। सच गल करके जावांगा इंशाअल्लाह। मैनू कई लोगों ने आख्या मौलवी साहब जमीयत च आयो वा तुहाडा रिज़्क तां जिहड़ा ना तुसां औखे बड़े हो सो तुहाडियां तकरीरां बंद हो गई सन फलां हो गई सी ते मैनू किन्हां ने वॉइस मैसेज भी कीते जी जनाब तुसां जमीयत च चले गए हो तुहाडा प्रोग्राम असां कैंसल कीता। मैं आख्या मेरा अकीदा ही है रिज़्क किस दे कोल है। बोलो रिज़्क किस दे कोल है। इज्जत किस दे कोल है। मौत जिंदगी किस दे कोल है। ओ कमलिया तेरा कीता तैनू जमाता ने पढ़ाया। हाय मेरी तकरीर न होई मैं भुखा मर जावांगा। रब्बे काबा की कसम मैं तो किश्तियां जला के आया हाँ इस मसले अहल हदीस की खातिर। तू मैनू तकरीर रोक के तू मैनू तकरीर रोक के आखना के मसलक और रब्बे काबा की कसम मेरे ते भाई आज भी मेरे हाथ की जबान नहीं खांदे के अहल हदीस है गैर मुकल्लद है। मैं आज भी मसलक अहल हदीस की कीमत अदा कर रहा। मेरे को पूछे मनहज अहल हदीस किसका नाम है। मेरे को पूछ मसलक अहल हदीस का नाम क्या है कि मां भी मेरी बच्ची के छाती ते ना आए पिरा इस वास्ते ना कि गैर मुकल्लद अहल हदीस है। और तैनू खानदानी नु क्या पता तू ते जमदिया सिर्फ नमाज रफे दैन वाली वेखी है। कदी तू हिदाया पढ़िया आंदा कदूरियां पढ़ाईया आंदियां कनजा पढ़ाईया आंदियां तैनू पता लगे आ के इस मसलक नु छोड़ के अहल हदीस बनना कितना मुश्किल है। आओ मेरी दावत है। मैं आज दी स्टेज ते दावत देण के जा रहा हूं कि सुन लो अकीदा तौहीद विच भी कंप्रोमाइज है। अकीदा तौहीद विच भी लचक है। नहीं ते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत ते वफा विच भी लचक है। नहीं है अपने रुठ जान तुंदी इबाद मुखालिफ से न घबराए उकाब। तुंदी इबाद मुखालिफ से न घबराए उकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए उर्फी तो मई अंदेश आए है। सुनदा जा उर्फी तो मई अंदेश। ओ अल्लामा इशाम मेरा शेर तेरी नजर है उर्फी तो मई अंदेश ते गाए रकीबा आवाज सदा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा आखिर दावा ना अल्हम्दुलिल्लाह।